दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, जो मैं गोप्रो से मैंने एक गोप्रो खरीदा है, उसके कुछ आइटम थे। ये हर एक चीज की वीडियो बना रहा हूँ मैं। आई होप आपको पसंद आएगा, और आपको अगर मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है तो आपको कुछ क्लू मिलेगा कि क्या क्या आइटम चाहिए होता है। मेक श्योर आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना। चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय गवाए। दोस्तों आज हम दिखाते हैं कि मैंने पिछले 10 महीने के अंदर YouTube से क्या क्या कमाया है, और उसमें से कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा। मैंने एक GoPro खरीदा है, और GoPro की कुछ एसेसरीज हैं जिसके बारे में आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपना GoPro दिखाता हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने Amazon के थ्रू ही मंगाई हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में हर एक चीज़ का लिंक मिल जाएगा। तो ये केस था, ये केस अलग से मंगाया, इसको हटा देते हैं, साइड में कर देते हैं। और ये सबसे पहले मेरा GoPro 5 ब्लैक। मेरे को कमाल का लगा ये, इसकी क्लियरिटी, मतलब एवरीथिंग, जो भी चीज लो इसका कमाल का फीचर्स है। तो ये मेरे को 36,000 रुपए के आसपास पड़ा, अमेजोन के थ्रू मंगाया मैंने। इसको साइड कर देते हैं, और इसके साथ मैंने कुछ और भी चीजें ली हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ कंप्लीट होने के लिए। सिर्फ GoPro खरीदने से ही आपका कंप्लीट नहीं हो जाता है। ये है माइक अडेप्टर, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप एक मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं GoPro के साथ, तो आपको ये लेना बहुत जरूरी है। देखिए कुछ कमाल का स्टेज से मिलेगा, इसको बोलते हैं माइक अडेप्टर, GoPro माइक अडेप्टर कमाल का है। ये करता क्या है, ये जो साउंड रिड्यूस करता है, जो नॉइस होती है ना, नॉइस को रिड्यूस करता है, और उसके बाद जो अपना इनपुट देता है कमाल का देता है, आउटपुट देता है। तो ये भी रख देते हैं साइड में, आपको ये भी लिंक मिल जाएगा। इसके बाद आपको चाहिए, अगर आप एक हेलमेट पे यूज करना चाहते हैं माइक, तो आपके लिए ये मिलेगा एक माइक। ये भी बहुत कमाल का माइक है, ये आपका माइक अडेप्टर के अंदर लग जाएगा, और ये आपके हेलमेट के अंदर, और इसके बाद इसका साउंड बहुत ही बढ़िया आता है। मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा कि बाइक राइडिंग समय, जिस टाइम राइडिंग कर रहे होते हैं उस टाइम कैसा लगता है। एक ये मैंने खरीदा, ये भी अमेजोन से खरीदा, 300 रुपये के आसपास मिला मेरे को, इसको भी साइड कर देते हैं। और सबसे कमाल का मेरा जो माइक है अभी तक का, वो है ये। मैंने काफ़ी सारे माइक खरीदे, पर इससे बढ़िया माइक मेरे को अभी तक नहीं मिला। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। माइक कुछ इस टाइप का होगा, इतना बड़ा, पर कमाल की साउंड है। और ये फ्रेम है, और एक ये खरीदा मैंने, क्योंकि मेरे को जब स्टैंड पे लगा के इसको रखना होता है, तो इस तरीके से कुछ माइक को फिट करने के लिए, GoPro को फिट करने के लिए, GoPro इसके अंदर आ जाता है। आप देखेंगे कमाल का है GoPro, एक ऐसा वीडियो बनाने के लिए आपका डिवाइस है जो DSLR को फेल करता है। मेरी नज़र में GoPro की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तो मैं इसको ये लगाता हूँ, और हमारा जो अडेप्टर है, माइक अडेप्टर, उसमें लगा के बहुत बढ़िया काम करता है। फिर इसके बाद था, एक दिक्कत थी कि मेरे को बैटरी बैकअप चाहिए था, उसके लिए फिर मैंने एक ये मंगाया, एक्स्ट्रा बैटरी चार्जर और एक बैटरी। ये है बैटरी चार्जर, ये एक बैटरी, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको इस तरीके से लगाया, और ये केबल को लगाया, और आपके पास जो भी चार्जर है
उसके साथ फिट कर दो, कमाल का है। और एक बैटरी हमारे गोप्रो के साथ आई, ये एक एक्स्ट्रा, तो दो बैटरी हो गई मेरे पास और मेरा काम चल जाता है। और मैंने एक C9 Pro ले रखा है, सैमसंग का C9 Pro, जिसका मैं आपको अगले वीडियो में किसी वीडियो में बताऊंगा कि C9 Pro मैंने कितने का लिया। कमाल का फ़ोन था, अभी तक का मैंने काफ़ी फ़ोन यूज़ किए हैं, पर मेरे को C9 Pro बढ़िया लगा क्वालिटी। ये जो रिकॉर्डिंग चल रही है ये C9 Pro के साथ ही हो रही है। तो यही सब चीज़ें थी। तो काफ़ी समय से मैं ये सोच रहा था कि दोस्तों आप लोगों को बताऊं कि मैंने अभी तक का ये जितने भी आइटम खरीदे हैं ये सब यूट्यूब के आप लोगों के प्यार के उससे खरीदे हैं, जो आप लोगों का प्यार मिलता है उसी के बदौलत ये सब मेरे पास अभी तक का मैं जोड़ पाया हूँ, और आगे भी कुछ नया जोड़ पाएंगे। तो आई होप आपको पता चल गया होगा अब जो मैं वीडियो बनाता हूँ किस आइटम किस किस चीज़ों से बनाता हूँ। तो इस टाइम मेरे पे एक GoPro है और एक C9 Pro है, और बहुत जल्दी आगे भी मैं सोच रहा हूँ कि एक DSLR ले लूँ। और फिलहाल वीडियो के लिए इतना ही, ये सारे आइटम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।